इस लिस्ट में टॉप पे है। दोस्तों नाम सुन के ही बिल्कुल ही हीरो वाली फीलिंग आती है। एक्चुअली में ये आपके लिए बिल्कुल ही एक हीरो वाला काम करता है। लाइक शॉर्टकट में जो है आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे आप कोई एक कीवर्ड सेलेक्ट करके एक बड़े से सेंटेंस को एक सिंपल कीवर्ड में सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई छोटा सा वर्ड लिखूंगा तो गाइज बहुत लंबा टेक्स्ट जो आपके सामने कॉपी हो जाएगा। लाइक गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाई टाइप किया, उसके बाद स्पेस को एंटर किया तो गाइज हेलो हाउ आर यू आ गया। उसके बाद गाइज अगर मैं यहाँ पे जी एन टाइप करता हूँ तो गुड नाइट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी एम टाइप करता हूँ तो गुड मॉर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो गाइज ये कुछ शॉर्टकट्स जो है आप कुछ शॉर्टकट शॉर्ट कीवर्ड्स को यूज करके एक बड़े बड़े सेंटेंस को लिखा सकते हैं। लाइक आर्टिकल लिखने के बाद मैंने एक स्पेस टाइप किया तो इतना बड़ा सा आर्टिकल जो है यहाँ पे बस सिंगल कुछ सेकंडों में ही टाइप हो गया। तो गाइज अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब वॉब करते हैं, कुछ नॉर्मल मैसेजेस है जो कि आपको हमेशा अक्सर फॉरवर्ड करते रहना पड़ता है, टाइप करते रहना पड़ता है, तो गाइज आप एक छोटे से कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके उन सभी कामों को आसान बना सकते हैं। लिस्ट में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है Pixel 4D। तो गाइज ये एक्चुअली में एक वॉलपेपर टाइप की एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर 4D 3D टाइप के वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप कुछ एग्जांपल्स देख ही रहे होंगे, कुछ सैंपल्स देख ही रहे होंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी वॉलपेपर्स हैं इनकी क्या क्वालिटी है और किस टाइप के वॉलपेपर्स देखने को लगते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में मिल जाएगी, बहुत सारे वॉलपेपर्स जो है पेड है, बहुत सारे वॉलपेपर्स फ्री है। गाइज आपको बस एक छोटा सा एड्स देखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आसानी से किसी भी वॉलपेपर को लगा पाएंगे। लाइक कैटेगरी की बात करें तो गाइज लाइव, लाइव एंड फ्री, लाइव, इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज किसी भी एक नॉर्मल कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पे मोस्टली वॉलपेपर जो है पेड है, लेकिन बहुत से वॉलपेपर्स ऐसे भी है जो कि फ्री है। और गाइज क्वालिटी की बात करें तो गाइज इस क्वालिटी को अगर आप देखोगे तो 10 रुपये 12 रुपये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये देने के लिए भी आप यहाँ पे टोटली तैयार हो जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की जिसका नाम है स्टे फ्री। तो गाइज ये एक्चुअली में एप्लीकेशन आपको सच में फ्री रखेगा आपके स्मार्टफोन से। लाइक ये बेसिकली एप्लीकेशन आपको बताएगा कि आपने आज एक पूरे दिन में कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज किया है, किस एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज किया है, किस एप्लीकेशन को बहुत कम यूज किया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप किस एप्लीकेशन की और बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड है। तो गाइज यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि गाइज आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई अलार्म सेट कर सकते हैं। लाइक इस एप्लीकेशन को आपको बस इतनी देर तक ही यूज करना है या फिर अपने पूरे डिवाइस को इतने घंटे ही यूज करना है पूरे दिन में। इस टाइप के अलार्म्स को आप यहाँ पर सेट करके अपने गोल्स को और भी क्लियर बना सकते हैं। उसके बाद गाइज हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बार चार्ट के अकॉर्डिंग, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर पाई चार्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो वीकली के अकॉर्डिंग जो आपको चार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आप इतनी इतनी देर देर तक अपने ये एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की जिसका नाम है डुप्लीकेट। गाइज ये एप्लीकेशन भी बहुत ही कमाल की है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे मीम्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप फेस को रीफेस कर सकते हैं। लाइक आप इसके फेस को अपने फेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको नहीं करने। सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाती है। उसके बाद गाइज आप जो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि गाइज फ्लटिंग, नो, थैंक्स, कंफ्यूज, इस टाइप के। जैसे कि आपको अपने दोस्तों को कोई वीडियो भेजनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ इंप्रेस करने के लिए कोई वीडियो भेजनी हो तो वहां पे आप उस फेस की जगह पे अपने फेस को लगा करके उस वीडियो को सेंड कर सकते हैं और गाइज आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका दोस्त इंप्रेस हो जाएगा आपसे पहले ही वीडियो देख करके। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की जिसका नाम है कंट्रोल सेंटर। एंड्रॉइड के अंदर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, नोटिफिकेशन टॉगल्स मिलता है, लेकिन यार वो कहीं ना कहीं बोरिंग से हो गया है, हमें कुछ नया चाहिए। तो गाइज ये कंट्रोल सेंटर, गाइज आपको iOS में ये देखने को मिलता होगा। अगर आपको ये चीज पसंद है और आप इसे अपने डिवाइस में लगाना चाहते हैं देन आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको साइड में एक बार देखने को मिल जाएगा, उसे अगर आप स्वाइप करते हैं तो गाइज सेम टू सेम आपके सामने कंट्रोल सेंटर iOS 13 जैसा आपके सामने आ जाएगा। गाइज उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देखिए किसी भी एप्लीकेशन तो किसी भी टॉगल्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंटर में आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बस कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो जहां पे मैंने आपको बता दिए 5 एप्लीकेशन के बारे में। आई होप कि आपको सभी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पसंद है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।